तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके जा रही हूँ खेत्रपाल जी बाबा के यहाँ पर। तो वहाँ पे दीदी हमें बताएंगे कि वहाँ की क्या मान्यता है। दीदी क्या है, कैसे है, बताओ मेरे को थोड़ा। बोलन खाने पीने की समस्या भी खड़ी होगी फिर। हाँ देखो तो ना के बैठा कोई भाई मूर्ति मूर्ति बन रहा था या क्या कोई हाथ जोड़िया क्या मतलब अब तुम की कोई कर सका जब बैठा कोई खेत्रपाल बाबा मानिया के हो पर तू खाने पीने में बहुत इंगी तू चिंता ना करे की प्रकार की मतलब कमी को तुम फिर काम जारी राख खुल जिनके भी ना रहे हो बैठू कोई जब आगे मुझे को दुश्मन नहीं मिली मैं फिर नहीं मिली क्या मोटा पर चक के ले गए हो वो राजा थे जीत की खुशी कमा आप तो आगे चल पड़े हो मूर्ति बैठे रहेगी नहीं जब बैठे उठ के उठ जाएगा तू करे मूर्ति तो तू जाए करी पक्ष आयो जब चक्कर लागे जो सिल्ला बैठे स्थापित होगी अच्छा चक्कर लगे तो फिर कुछ की जी जल्दी फिर अठे अठे मान्यता होगी गड्ढ बैठा और मूर्ति ठेक भी बा राजा जी लेडी जो है नहीं वो गड्ढ गड्ढ मतलब किला। हाँ तो फ्रेंड्स आज हम लोग जा रहे हैं रावत सर के खेतरपाल बाबा जी के मंदिर में। वहाँ पे माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से प्रार्थना जो भी मांगते हैं वो हमेशा पूरी करते हैं सच्चे मन से। उसके बाद अभी हम लोग कार में बैठ चुके हैं, मैं सिलोच मौसी और मेरी सिस्टर नेहा दीदी, मम्मी और पापा ड्राइव कर रहे हैं और आगे बहुत सारी गाय आ चुकी है, उन्हें ले लो कैप्चर कर लो। पंजाब हरियाणा राजस्थान के लोग यहाँ पे बच्चों को झुड़ूला भी करते हैं भी लगती है। यहाँ पे पूर्णिमा और चौदस को मेला लगता है इस मंदिर में और जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनका वो जो झड़ूला उतारते हैं ना थोड़े से बाल कट करते हैं स्टार्टिंग में तो उनको भी यहाँ पे लेके आते हैं और फिर वहाँ झड़ूला उतारते हैं। हाँ मुंडन करते हैं ना जो तो वो करते हैं यहाँ पर। और अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं, पंजाब से हरियाणा से, काफी बहुत मतलब मान्यता वाला मंदिर है। तो आज मेरे वीडियो के माध्यम से आप भी वहाँ पे देख सकते हैं और अपने जहाँ भी मेरा ये वीडियो आप बैठ के देख सकते हैं अपने घर पे, तो आप भी खेत्रपाल बाबा जी से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं और उनका दर्शन कर सकते हो आप। खेत्रपाल जी का भी एक खेत्रपाल है जगह वे भी है सीमा के रखवाले। तो ये है मेन मंदिर का मुख्य द्वार खेत्रपाल बाबा जी। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद के लिए भी आप ले सकते हैं, जगह जगह पे प्रसाद लगे हुए हैं यहाँ पर।
दानेबाड़ी और राजा राय सिंह और सैनिक एक दूसरे से बिछुड़ गए। राजा राय सिंह जी और रघुदास जी सेना को तलाशते हुए बियाबन और जंगलों में भटकने लगे। ढूंढते हुए दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। फिर उन्हें एक टीले पर कुटिया नजर आई और दोनों उस कुटिया के पास गए। उन्होंने कुटिया के आगे एक कुत्ता बैठा दिखाई दिया। दोनों को देख कर कुत्ते ने कान फड़फड़ाए तो कुटिया के अंदर ध्यान मुद्रा में बैठे एक महात्मा ने दोनों को दरवाजा देखकर आवाज देकर कुटिया के अंदर बुला लिया। दोनों अंदर आ गए। महात्मा के पास नीचे जमीन पर ही बैठ गए। महात्मा जी ने दोनों से बियाबन जंगल में आने का कारण पूछा। राजा राय सिंह ने बताया कि उनकी सेना उनसे बिछुड़ गई है और हम भूखे हैं और हमारा बुरा हाल है। यह सुनकर महात्मा जी ने अपने कमंडल की ओर से इशारा करते हुए कहा कि कमंडल से पानी और दोनों पानी लो और दोनों पी लो। राजा राय राज सिंह ने सोचा कि कमंडल में तो दो घूंट पानी होगा, दोनों की प्यास कैसे बुझेगी। महात्मा जी ने कहा कि कमंडल से पानी पी लो। राजा राय सिंह और रघुदास जी ने उस कमंडल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन कमंडल में उतना ही पानी फिर शेष रह गया। दोनों सोचने लगे कि ये महात्मा कोई साधारण तो नहीं, ये कोई सिद्ध पुरुष है। तभी महात्मा जी ने राजा राय सिंह से कहा कि बाहर जाकर आवाज लगाओ, तुम्हारी सेना भी आ जाएगी। राजा बाहर गए और आवाज लगाई तो चारों तरफ से सैनिक आते हुए नजर आए। तब राजा राय सिंह ने महात्मा जी से कहा, अपनी सेना के मेरी सेना में भूखी है, इनके खाने के लिए कुछ बताएं। महात्मा जी ने कहा कि कुटिया से भोजन रखा है, सभी को दे दो, वो खा लेंगे। लेकिन थाली में तो थोड़ा सा भोजन रखा था, सभी सैनिक कैसे खाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि चमत्कार के कारण पूरी सेना दोनों जनों ने आराम से भूख मिटा ली। इस दौरान बीकानेर इलाके में भी भूखमरी फैली हुई थी। राजा राय सिंह और रघुदास जी ने कहा कि क्यों ना इन महात्मा जी को अपने ही क्षेत्र में ले चले, भूखमरी दूर हो जाएगी। इन दोनों ने महात्मा जी को अपने इलाके में आने का निवेदन कहा। महात्मा जी बोले कि मेरे 52 रूप हैं, यहाँ एक जंगली जानवर राक्षस भूत जिन आदि सभी को उनके अनुसार खाना खिलाता हूँ। राजा राय सिंह और रघुदास जी ने उनसे निवेदन किया। महात्मा बोले कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अगर आप लोग मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलो और अगर बीच रास्ते में मुझे कहीं उतार दिया तो मैं फिर एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। राजा राय सिंह ने रघुदास जी से कहा, महात्मा जी की शर्त मान ली और उन्होंने अपनी पीठ पर बिठा लिया। रावसर क्षेत्र के गढ़ की कंकड़ के पास आकर राजा राय सिंह ने महात्मा जी को उतार कर गढ़ में महात्मा जी के पास उचित स्थान रखने के लिए और देखने के लिए पता करने के लिए चल पड़े। वापस आकर महात्मा जी से गढ़ ठिकाने चलने का निवेदन किया तो महात्मा जी ने इनकार कर दिया और कहा कि उनके बताए अनुसार अब वो एकदम भी नहीं चलेंगे और यही रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे। तब राजा राय सिंह और रघुदास जी ने महात्मा जी से कहा, महाराज इस इलाके में भूखमरी बहुत फैली हुई है। तो महात्मा जी ने राजा राय सिंह को मुट्ठी भर अनाज देते हुए कहा कि गढ़ ठिकाने से एक कढ़ाई में एक अनाज को पकाकर ऊपर कपड़ा डाल देना, कपड़े को सिर्फ इतना ही हटाना जितने से अनाज निकल जाए। गढ़ ठिकाने पर चढ़कर भूखों को खाना खिलाने के लिए आवाज दे देना। उसके बाद आसपास के 54 गांव में भूखे लोगों द्वारा गढ़ ठिकाने के पास खाना खिलाने के लिए आवाज दी गई। बताया जाता है कि जब तक गढ़ ठिकाने से आवाज लगाई जाती रही तब तक उस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहा। तब से महात्मा जी का नाम क्षेत्रपाल महाराज पड़ा जो अब धीरे धीरे बाबा क्षेत्रपाल जी के नाम से मशहूर हो गया है। धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों की सूचना दूर दराज तक फैलने लगी है। गुजरात से वापस आने के बाद राजा राय सिंह ने रघुदास जी को रावत की पदवी दी और वह रावत रघुदास जी कहलाए जाने लगे। इस क्षेत्र में वर्ष में 3 बड़े मेले आषाढ़ चैत्र और माघ मेले लगते हैं। 15 दिवसीय मेले देश के कोने कोने से लोग आते हैं। मुख्य पुजारी नारायण सिंह सुड्डा राठौड़ वंश के मंदिर की स्थापना के समय से ही बाबा क्षेत्रपाल की पूजा व अर्चना करते हैं। जब से इस मंदिर की स्थापना हुई है इलाके के चारों तरफ कंटीली झाड़ियां बियाबन जंगल था। क्षेत्रपाल जी का एक छोटा सा मंदिर था जिनके वंशज प्रतिदिन दीपक जलाते हुए पूजा करते थे। तब से आज तक इस क्षेत्रपाल मंदिर में दीपक 24 घंटे नियमित जलता रहता है। वही मंदिर परिसर में 7 अन्य छोटे छोटे मंदिर है जो बाबा क्षेत्रपाल जी के रूप में है, जिनमें माल सिंह जी, भैरू जी, कोडंदेसर जी, तोलिया सर जी, भैरू जी, चलकोई जी, चोटिया जी, 7 मावड़ियां हैं। और मंदिर में बाबा क्षेत्रपाल जी की दौड़ लगाने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों में अवश्य दौड़ लगाते हैं।